आम देश में गत किछि दिन हबो इस्कन को नहीं बाद विवाद लागि रहिछि। किछि लोक याहाकु नहीं होहल्ला मध्य करिछि। किछि लोक कहउछन्ति इस्कन लोकंक भावना को नहीं व्यवसाय करुछि। आउ किछि लोक कहउछन्ति जे लोकंक भक्ति आढुआळ रे या निजर स्वार्थ साधन करुछि। किंतु ये माने जानी नहंती विदेश रे इस्कन प्रभाव कोन रहिछि। विदेश रे लक्ष लक्ष मुस्लिम और ख्रिस्टियन माने ए इस्कन प्रभाव रे सनातन धर्म को ग्रहण करिछन्ति। सारा दुनिया रे सनातन धर्म रे व्यापकता बा लोकप्रियता पछरे इस्कन न गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। तबे चीन ने किभळी भाबे लोकंक उपर इस्कन तान प्रभाव पकाइछि एवं अनेक अण हिंदू सनातन धर्म को ग्रहण करिछन्ति आसंतु से विषय रे जानिबा। चीन एपरि एक देश जेउठारे लोकंक केबे भी धार्मिक स्वाधीनता दिया जाय नाही। एठारे कौनसी एक धर्म प्रति आसक्त थिबा लोकंकर अवस्था मध्य खराब। वर्तमान पर्यंत चीन ने 1400 ऊर्ध्वर मस्जिद नष्ट करागलानि एवं बाकी थिबा मस्जिद गुड़िक बार रे परिवर्तन करा दैछि। किंतु एबे चीन ने सनातन धर्म रे प्रचार प्रसार जोरदार हेबार लागिछि। आजिकाली चीन ने रास्ता रे कृष्ण भक्त माने मध्य भजन कीर्तन करुथिबा नजर मिलुछि। तबे चीन ने मोट हिंदू को संख्या केते तार रिपोर्ट नथ्या बेले इस्कन प्रभाव रे केते लोक हिंदू धर्म को अपनाइछन्ति तार किंतु रिपोर्ट रहिछि। गत 10 वर्ष मध्य इस्कन प्रभाव में चीन में रहुवा 80,000 लोक सनातन धर्म को ग्रहण कर। सूचना अनुजाई ये 80,000 लोक विधिवत भाव में हिंदू धर्म में दीक्षित होती। रिपोर्ट मुताबक चीन में मोट लोकसंख्यार 70% लोक नास्तिक अटंती। बाकी 30% लोक बौद्ध एवं ताऊ धर्म को ग्रहण कर। किंतु हिंदू धर्म को आपण 80,000 भागवत प्रेमी मान 50,000 नास्तिक थे 30,000 बौद्ध धर्म दीक्षित थे। किंतु भगवत गीता एवं सनातन धर्म ज्ञान महानता तथा तो लोकप्रियता कारण ये माने हिंदू धर्म को आपणई नहीं। तबे ये सब श्रेय इस्कन संस्था को जाऊँ जिकि भगवत गीता को समस्त भाषार अनुवाद कर विभिन्न देश में गीतार महानता तथा ज्ञानर प्रसार करुछन्ति। जहार फलस्वरूप विदेश अनेक बड़ बड़ लोक भगवत गीता पढ़िया परे से मानको जीवन शैली परिवर्तन आसी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनएस सूर्या।